अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको एक शॉप पे लेकर जा रही हूँ जो कि मशीन की मदद से आपको लेसिस लगाना सिखाएंगे और मोतियों वाली पीको। आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, कम टाइम में आप इस तरह की लेसिस मशीन से लगवा सकती हैं। ज़रूरी नहीं आप हाथ की मदद से लगाएं या घर में बैठे, मशीन की मदद से बहुत टाइम लग जाता है और नेट फैब्रिक के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप मशीन की मदद से जब लेसिस लगवाने जाएं तो मशीन वाले को कहें कि ऐसी छोटी सी जो लेस है वो जिग जैग टांके से लगाएं, क्योंकि इस तरह की बहुत अच्छे तरीके से मजबूत लगती है और नेट फैब्रिक भी अच्छे तरीके से जम जाता है। मैंने आज आपको इसलिए आइडिया दिया है कि इस तरह की लेसिस अगर आपको घर में से सही नहीं लगती तो आप मशीन वाले से लगवा सकती हैं। ये आइडिया है, अगर आपको आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आज का आपको ये आइडिया कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस तरह के सिलाई के काम ज़रूर मशीन से बाज़ार से करवाएं। अगर आपके पास घर में मशीन है तो आप लेसिस या मोती वाली पीको घर में कर सकती हैं, उससे फ़्रॉकों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस तरह के फ़्रॉक लगते भी बहुत प्यारे हैं ऐसी सी लेसिस लगाने के बाद, क्योंकि ये तमाम लेसिस हमने अपनी वीडियोज़ में फ़्रॉकों, सूटों, शर्ट्स पर लगाई हुई हैं, आपने देखी भी होंगी। तो ये हमने मशीन की मदद से लगवाई थी, हाथ की मदद से या खुद अपनी सिलाई मशीन की मदद से नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खींचने वाला स्टफ़ होता है नेट फैब्रिक और उसमें इतनी अच्छी नीटनेस नहीं आती लेस लगाने से हमारी मशीनों में। लेकिन अगर हम मार्केट से जाकर लगवाएंगे तो बहुत प्यारी और नीट लग जाएगी। और ये हमारे खानेवाल में मक्का टेलर है, मैं उनसे लगवाती हूँ, वो बार रियायत मार्केट से लगा कर देते हैं मुझे। आप भी आए, अगर रहते हैं हमारे शहर में तो आप भी उनसे लगवा सकती हैं, बहुत मुनासिब रेट के लगाते हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे, इस शॉप पे आएँ तो ज़रूर मेरे चैनल का नाम लेकर आप लेसिस लगवा सकती हैं, क्योंकि वो पीको लेसिस बहुत मुनासिब रेट में कर देती हैं। और आपको आज देख लिया होगा आपने भी कितने अच्छे तरीके से लेसिस लग रही हैं। आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। और ये तमाम वीडियोज़ जो आपको नज़र आ रही हैं, पीको वगैरह, तमाम वीडियोज़ मेरे दोनों ही चैनल्स पे लगी हुई हैं, आप इनका विज़िट कर सकते हैं। दुआओं में हमेशा याद रखिए, कोई बात अच्छी लगे या बुरी कमेंट्स पे बता दिया करें और अच्छी अच्छी दुआएं दिया करें। आइडियाज़ अच्छा लगा करें तो खुशी खुशी हमें भी बता दिया करें, ताकि हम आगे आगे आइंदा आइंदा आपके काम भी आ सकें, आपको हेल्प दे सकें, आपको बता सकें कि इस तरह काम कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।